तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये यदि आप भी अपने मोबाइल में फाइव पैसा एप्लीकेशन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो गाइज आप ओपन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो गाइज जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना जिससे ये एज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में फाइव पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गाइज हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको ऑप्शन शो करेगा ओपन फ्री डीमेट अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि जब इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो गैस आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को गैस आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने नीचे की साइड आपको रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन शो करेगा। तो गैस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गैस आपको रेफरल कोड का लिंक दे दूंगा, उस रेफरल कोड को गैस आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही गाइज आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइज जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी कोड को गाइज आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही गाइज आप अपना ओटीपी एंटर करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइज आपको रिज्यूम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइज आप यहाँ पर रिज्यूम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर गाइज आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर चूज कर लेना है। तो गाइज मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे कि जब यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि आप पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पर एंटर करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो केवाईसी डिटेल्स है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गई है सक्सेसफुली। फिर गाइस आपको क्या करना है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि जब यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो बैंक डिटेल्स है उन्हें यहाँ पर एंटर करने को बोलेगा। तो यहाँ पर गाइस यूपीआई के थ्रू अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं मैन्युअली करना चाहते हैं मैं यूपीआई के थ्रू करना चाहिए तो यूपीआई चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना कोई भी एक यूपीआई ऐप चूज कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना जो फोन पे है उससे करना चाहता हूँ, फोन पे ऐप को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर गाइस हमें 1 रुपीज पे करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसे चूज कर लेना है, जिस भी बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप लिंक करना चाहते हैं। फिर गाइस आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर गाइस आपको अपना जो यूपीआई पिन है उसे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही गाइस आप राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए गाइस आपका जो यहाँ पर 1 रुपीज पे हो गया है और गाइस आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो गया है। फिर गाइस आपको यहाँ पर यस राइट इट्स राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम लिए सर्चिंग लेगा, फिर से गाइस आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस नेक्स्ट पेज यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर गाइस आपको अपनी जो अदर डिटेल्स है उन्हें यहाँ पर एंटर करने के लिए बोलेगा। फर्स्ट तो गाइस आपको अपना जो फादर का फुल नेम है उसे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो मैं गाइस अनमैरिड अनमैरिड चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपके सामने अदर डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। जैसे गाइस आपका ऑक्यूपेशन का है, आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट हो, बिजनेसमैन हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो या फिर गाइस आप प्रोफेशनल्स हो, आप क्या हो। तो यहाँ पर गाइस मैं अदर चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो गाइस आप सैलरीड हो, गिफ्ट हो या फिर गाइस बिजनेस इनकम से आपकी इनकम हो रही है या फिर गाइस आप प्राइज मनी से इनकम हो रही है या रेंटल से आपकी इनकम हो रही है, तो मैं सैलरीड हूँ तो सैलरी यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो योर एनुअल इनकम, तो आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो गाइस आपको अपनी एनुअल इनकम चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए वुड यू लाइक टू ऐड नॉमिनी, तो यहाँ पर गाइस दी गाइस आप अभी के लिए अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हो इस पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो यदि गाइस आप इसे बाद में ऐड करना चाहते हो बाद के लिए आप इसे रिक्वायर कर सकते हो। तो गाइस आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, दोनों इन ऑप्शन पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उन्हें यहाँ पर क्लियर करना होगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो तो क्लियर हो गया, फिर गाइस आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट तो गाइस आपको अपनी एक सेल्फी है उसे यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपनी जो एक सेल्फी है उसे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो सेल्फी है उसे अपलोड कर लिया है। फिर गाइज आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो गाइज आपको अपना जो एक सिग्नेचर है उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सिग्नेचर ड्रॉ करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर गाइज आपको सभी जो सेगमेंट्स है वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। ऊपर की साइड आपको कैश सेगमेंट शो करेंगे, नीचे की साइड आपको डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो सभी सेगमेंट यहाँ पर आपको शो करेंगे। फिर गाइज आपको क्या करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइज आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइज आपको
ई साइन कंप्लीट करना होता है। तो ई साइन कंप्लीट करने के लिए गाइस आपको ई साइन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा ई साइन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। फिर गाइस आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपको आई एग्री वाले इस ऑप्शन पर टिक करना है। साइन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर गाइस ऊपर की तरफ आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा जो डॉक्यूमेंट साइन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फिर गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम लिए वेट करना है। फिर देखिए गाइस आपका जो टोटली जो साइंस है, आपका जो ई साइन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर गाइस आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहा है। ऊपर वाले इस ऑप्शन को कट करना है और यहाँ पर गाइस आपको स्टार्ट ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए गाइस हमारा जो यहाँ पर 5 पैसा एप्लीकेशन में हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर लाइव में गाइस आपको अदर ऑप्शन शो करेंगे, बुक्स में गाइस आपको अदर ऑप्शन शो करेंगे, उसके अलावा गाइस आपको ऊपर की साइड पोजिशन शो करेंगे। तो यहाँ पर गाइस पूरी तरह से गाइस आपको आपके अकाउंट को ओपन होने में 24 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 24 आवर्स के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट करना है। फिर गाइस आपके जो टोटली जो यहाँ पर सेगमेंट्स है या फिर गाइस टोटली जो यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस है, वॉच लिस्ट है, सभी जो यहाँ पर आपको शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेस फुली ओपन हो गया है गाइज। तो इस तरह से गाइज दी गाइज आप भी अपने मोबाइल में 5 पैसा एप्लीकेशन में दी गाइज आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो गाइज कुछ स्टेप से अपना 5 पैसा एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो चलो हुआ और वीडियो चलो हुआ तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइज।